जोमेटो के पहले क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर हमारे एक व्यूअर भाई को वीडियो देखना था। तो ओवरऑल इस रिजल्ट में बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव अपडेट भी जोमेटो की ओर से आती हुई दिखाई दे रही, जो कि अगले आने वाले दिनों में इस शेयर को बहुत ही ऊपर ले जा सकते। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस रिजल्ट को देखेंगे, उसके बाद उस न्यूज़ को भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो आप देखो फ्रेंड्स, पिछले साल 844 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थी, वो बढ़कर 1413 करोड़ हो गई, और ये पिछले क्वार्टर में 1211 करोड़ थी। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, जोमेटो का बिजनेस बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है, और स्टॉक मार्केट में कोई भी व्यक्ति अगर शेयर खरीदने आता है, कोई भी बड़ा फंड मैनेजर, तो सबसे पहले तो वो एक ही बात देखता है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर तो रॉकेट की गति से इसका बिजनेस बढ़ रहा है, मगर प्रॉब्लम क्या है, इतना तेज़ गति से बिजनेस बढ़ने के बावजूद पिछले साल 343 करोड़ का लॉस किया था, वो इस बार घटकर 185 करोड़ के आसपास आया। तो बहुत ही बड़ी रेवेन्यू साइज है, फिर भी इस कंपनी ने 185 करोड़ का लॉस किया। और यहाँ पर एक और ख़ास बात नोट करने वाली यह है कि इसने 1413 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू कमाया, उसमें से 277 करोड़ रुपए तो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कॉस्ट आ गई, यानी कि अपने बिजनेस को बहुत ही तेज़ गति से बढ़ाने के लिए ये लोग खर्चा भी बहुत ही तेज़ गति से कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये अगर फिगर ना होता तो जोमेटो का इस बार शायद प्रॉफिट भी होता, मगर मुझे ये भी पता है कि ये लोग खर्चा करने बंद नहीं करने वाले प्रमोशन के लिए। तो ओवरऑल 1413 करोड़ की रेवेन्यू आई, वो आई कहाँ कहाँ से, तो आप देखो 1074 करोड़ इसका जो मेन इंडियन फूड डिलीवरी बिजनेस है वहाँ से आई। इसके अलावा हाइपर प्योर में देखो फ्रेंड्स, 272 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू, और दूसरे जो सेगमेंट्स है वहाँ से 66 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आई। तो मेन रेवेन्यू तो इसकी फूड डिलीवरी बिजनेस से ही आती है, और वहाँ पर ही बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर मुझको इसके जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आप देखो 14 बिलियन यानी कि 1400 करोड़ रुपए के आसपास की फूड डिलीवरी बिजनेस से इसने रेवेन्यू जनरेट की। और यहाँ पर खास बात एक नोट करो, ईबीटा लेवल पर इस बार फूड डिलीवरी बिजनेस में लॉस नहीं है, यानी कि जो इससे आगे वाले क्वार्टर में 0.8% का लॉस था 8 बिलियन का, वो लॉस इस बार नहीं है, उससे आगे वाले क्वार्टर में भी लॉस था। तो ओवरऑल यहाँ पर इसका मेन फूड डिलीवरी बिजनेस है वो लॉस करना बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो यहाँ से थोड़ी रेवेन्यू और बढ़ेगी तो इसका रेवेन्यू साइज तो ऑलरेडी बढ़ा है, तो अगर इसमें से 8-10% भी ईबीटा मार्जिन कमा लिया तो भी ये कंपनी बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में प्रॉफिट में आ सकते है। और ये कंपनी बहुत ही बड़ी साइज़ की है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस बिजनेस को आसानी से कोई टक्कर भी दे सकेगी, यानी कि कॉम्पिटिशन में भी इसके सामने आसानी से खड़ा हो सकेगा। तो ओवरऑल इन सभी बातों को हम ध्यान में रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से जोमेटो के शेयर में हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स पर क्वार्टर 1400 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है और अभी इसका मार्केट कैप 36000 करोड़ के आसपास है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी को 500-700 करोड़ के प्रॉफिट कमाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वजह से देखें तो जब ये कंपनी प्रॉफिट दर्ज करने लगेगी तो आराम से अभी के वैल्यूएशन पर ये शेयर मुझे ऐसा लगता है कि सस्टेन होने लगेगा, और अगले आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिलेगी।